हेलो एवरीवन, बीएमसी का नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको प्रॉपर्टीज़ का जो बताना था, लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज़, लुब्रिकेंट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक, देखिए लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी क्या होते हैं, आइए एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते जाएंगे। पहला हमने लिखा है हाई फ्लैश पॉइंट, दूसरा लिखा है एंटी फ्रीज पॉइंट, तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है, पाँचवा भी होता है, छः भी होता है, सात भी होता है। अब हम बताते चलेंगे एक एक करके। ठीक, देखिए सबसे पहले फ्लैश पॉइंट क्या होता है। ठीक, हम आपको फ्यूल पढ़ा रहे थे तो फ्यूल वाले में हमने फ्लैश और सब पॉइंट बताए हुए हैं। ठीक, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा कि सर फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ठीक ना। और फ्लैश पॉइंट पढ़ने के बाद जान जाएंगे तो एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि लुब्रिकेंट के लिए जो फ्लैश पॉइंट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ठीक, ज्वलन एक चीज़ होती है ज्वलन बिंदु, ये ज्वलन बिंदु संबंधित है। ठीक, होता क्या है कि अगर अगर ये मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होगा, अगर आपका लुब्रिकेंट बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होगा तो हल्का सा टेम्परेचर पा करके क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक, और हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हल्का सा, क्योंकि देखिए जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन होने के दौरान बीच में क्या होगा, टेम्परेचर जनरेट जब होगा तो वो गर्म होते होते हो सकता है कि वो अपने ज्वलन बिंदु पर आ जाए और वो जल जाए। ठीक, तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, फ्लैश पॉइंट हाई हो, यानी कि जल्दी जले ना, टेम्परेचर को वो सहने की क्षमता रखे। ठीक, तो ये होना चाहिए, उसमें फ्लैश पॉइंट हाई होना चाहिए। दूसरा आप देख रहे हैं एंटी फ्रीज पॉइंट। देखिए फ्रीज पॉइंट, फ्रीज का मतलब होता है जमना। ठीक, ऐसा ना हो, एंटी का मतलब विपरीत, यानी होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि आप क्या करेंगे अगर आप रखें उसको, जैसे तेल है, देखिए तेल जो होते हैं तेल जनरली जल्दी जमते नहीं हैं। ठीक, उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जमते नहीं, ऐसा नहीं जमेगा नहीं, उतना टेम्परेचर उनको नहीं मिलता है कि वो जमे। ठीक, जबकि घी देखिए घी जम जाता है। ठीक ना, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जिन मतलब जो क्या कहते हैं कि जमने का विरोध करें। ठीक ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जमने का विरोध करें, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे क्या करें उसको रख दें, अब लगा दें और वहीं पे वो जम जाए। ठीक, अगर जम जाएगा तो प्रॉपर तरीके से जो मतलब आपकी लुब्रिकेशन होनी चाहिए उस तरह से लुब्रिकेशन नहीं करेगा, तो इसमें फ्रीजिंग यानी जमने का गुण नहीं होना चाहिए। कोरोजन रजिस्टेंस होना चाहिए, संक्षारण प्रतिरोधी। इसका मतलब क्या है कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है हम लोग कोई ऐसा चीज़ यूज कर देते हैं जिससे कि लुब्रिकेशन जो हो रहा है लुब्रिकेशन पे वो गलत इफेक्ट डाल देता है, यानी कि हम लोग जो जैसे होता है ना कभी कभी दवा को लोग जहर की तरह ले लेते हैं। ठीक ठीक, उसी तरह से कोरोजन रेजिस्टेंस का काम है, आप जो मटेरियल भरें जैसे लुब्रिकेंट के तौर पर, हो सकता है आप चाहे ग्रीस भरे हों, चाहे मोबिल ऑयल भरे हों, या कोई अन्य मटेरियल भर दिए हों, ठीक, तो आपको पता है कि वो मेटल्स के मतलब ज़्यादातर आप मेटल्स में इनको प्रयोग करेंगे या मेटल्स में ये होता है। अब क्या होगा कि जब मेटल्स में आप इनको लगाए होंगे, जब गति होगी तो गति होने के कारण दोनों मेटल्स आपस में फ्रिक्शन करेंगे, और फ्रिक्शन के कारण बीच में जब ये आप मान लीजिए तेल डाल दिए, फिर कुछ भी डाल दिए हैं, ठीक, जैसे अब हम कह दें पानी डाल दिए बीच में, ठीक ना, तो आपको पता है कि पानी ऑक्सीजन के साथ मिल करके यानी वायुमंडल के साथ मिल करके संक्षारण को जन्म देता है। ठीक, इससे क्या होता है कि आपके मेटल ख़राब होते हैं, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं पेंट करते हैं। आप देखिए घरों में जो पेंट वगैरह की जाती है मेटल्स पे, वो ज़्यादातर इसीलिए की जाती है कि जो हमारे वो संक्षारण होने वाले हैं वो संक्षारण ना हो। ठीक, तो उसको हम कहते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक ना, तो ये भी होना चाहिए कि जो भी आप मतलब लुब्रिकेंट के तौर पर जो भी मतलब हैं उसके अंदर संक्षारण का गुण नहीं होना चाहिए, यानी कि वो संक्षारण ना करें। ठीक, चौथा है आपका विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी का मतलब होता है बहने का गुण। ठीक, सामान्य तौर पर विस्कोसिटी की जो परिभाषा होती है वो ये नहीं होती, वो तो ये होती है कि जब मतलब कि जब कोई भी द्रव या फिर कोई भी जो तरल होता है उनके परतों के मध्य लगने वाले आंतरिक घर्षण बल को ही, घर्षण बल जो होता है उसी का जो विरोध होता है उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक, जैसे अगर कोई चीज़ बह रहा है, ठीक ना, तो जब क्या होगी, पतला रहेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, गाढ़ा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी कम होगी, देखिए समझिए, हमने कहा कि द्रव के परतों के मध्य लगने वाले आंतरिक घर्षण बल का विरोध, अब जब वो चलेगा तो उसमें घर्षण बल लगेगा ना, तो घर्षण बल जब लगेगा, अगर पतला होगा तो देखिए घर्षण बल कम होगा, वो तेज़ी से आगे चला जाएगा। ठीक, तो हम क्या करें उसका विरोध, यानी कि जो चीज़ विरोध करे, विरोध का मतलब कि जो चीज़ जल्दी उसको बहने ना दे, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं आपका विस्कोसिटी। ठीक,
तो ये भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ये मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा तो ना ज़्यादा ना कम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो है ना, ठीक। बहने का गुड़ भी होना चाहिए थोड़ा सा हल्का सा, और थोड़ा सा क्या मतलब कम भी होना चाहिए, जमे भी ना और बहे भी ना, दोनों के बीच में रहे, ठीक। तो उसको मॉडरेट कहते हैं, यानी कि एक क्या हो, एक नियत हो, ठीक। अब एक पॉइंट और आता है आपका थर्मल, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि देखिए जो भी मतलब आपका मटेरियल है ये थर्मल स्टेबिलिटी वाला, जैसे थर्मल स्थायित्व या फिर उष्मीय स्थायित्व का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई मटेरियल लेते हैं, ठीक, जब उसमें टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने के साथ हो सकता है वो अपने फेज को क्या करे, कन्वर्ट कर ले, ठीक। जैसे जो लिक्विड है वो गैस बन जाए, ठीक, और जो सॉलिड है वो लिक्विड बन जाए, ठीक। ऐसा होता है ना पानी के साथ, देखिए होता है, बर्फ़ को आप टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर लेते लेते धीरे धीरे वो क्या करता है, गर्म होकर के पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये सब प्रॉपर्टी ना हो उसमें, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी बनी रहे थोड़ी सी, ठीक। ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि आप टेम्परेचर, जैसे कि देखिए फ्रिक्शन होगा टेम्परेचर इंड्यूस होगा। अब टेम्परेचर होने के साथ अगर आप मतलब जो जैसे मान लीजिए कि मोबिल ऑयल प्रयोग किए हैं, तो मोबिल ऑयल क्या होगा, अगर पिघल जैसे ही पड़ेगा, अगर वो गर्म होगा बहुत ज़्यादा, तो अगर वहाँ से वो उड़ जाएगा गैस बन करके, तो फ्रिक्शन को कम ही नहीं कर पाएगा, रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक। तो मोबिल ऑयल जो होता है उसमें थोड़ी सी थर्मल स्टेबिलिटी देखिए बनी रहती है, जल्दी वो वहाँ से उड़ता नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म पे भी डाल देंगे उसको तो तुरंत उड़ता नहीं है, वो कुछ देर अपने स्थायित्व को बनाए रहता है, ठीक। और एक टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा अपने स्थायित्व को बनाए रहेगा, ऐसा नहीं, एक टेम्परेचर होता है नियमित टेम्परेचर, ठीक, 700-800 हो सकता है कि इससे ऊपर जो हो, ठीक, उतने पे वो ख़त्म हो जाए, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें भी होती, यानी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी हो उसकी, यानी अपने आप को वो बनाए रहे, स्टेबल बनाए रहे, ठीक। ऐसा ना हो कि हल्का सा टेम्परेचर पाए और बदल जाए, ठीक। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत बिक जाते हैं, 5 रुपए में बिक जाएंगे, होता है ना, कुछ लोग 2 रुपए में बिक जाएंगे, कुछ लोग होते हैं स्टेबल होते हैं वो बिकते नहीं हैं, ठीक। तो यही स्टेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वही हम कह रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि ऊष्मा देने के बाद भी वो क्या करेंगे, अपने स्थायित्व को बनाए रखेंगे, ठीक। अब छठा हम बात कर लें वोलेटिलिटी की, उड़नशीलता, ठीक, वोलेटिलिटी। अगर आपको लिखना हो इंग्लिश में तो VOLATILITY, वोलेटिलिटी। इसका मतलब होता है उड़नशीलता। उड़नशीलता का मतलब जैसे पेट्रोल होता है, देखिए पेट्रोल को देखे होंगे आप लोग, हम लोग जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हैं, बोतल में भरे हुए ढक्कन खोले, क्या होता है, तुरंत झट से उड़ करके वो वहाँ से हट जाता है, ठीक। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपका ऐसा क्या हो, वोलेटिलिटी वाला आपका वो हो, लुब्रिकेंट हो, नहीं तो पता चला आप ढक्कन खोले, जैसे मोबिल ऑयल है अगर मान लीजिए वो वोलेटिल होता, उड़नशील होता, तो क्या होता, ढक्कन आप खोलते डालते डालते ही हो सकता आपका 100 ग्राम 50 ग्राम कम हो जाता, ठीक। नहीं चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा उसमें उड़नशीलता एकदम ना हो, हम ऐसा चाहेंगे कि वो उड़े ही ना जल्दी, ठीक, अपने स्थायित्व को बनाए रहे उड़नशीलता के मामले में, ठीक। ये हो जाता है आपका वोलेटिलिटी। सातवां पॉइंट आपका है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कि जो उसकी लागत है, यानी खरीदने का जो खर्च है वो कम हो, बहुत ज़्यादा ना हो, लेस कॉस्ट इसको लिख सकते हैं, लेस कॉस्ट, ठीक, जो उसकी, और लेस वोलेटिलिटी भी लिख सकते हैं, जो मतलब कि कॉस्ट है उसकी वो क्या होना चाहिए, वो बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 लाख रुपए का आपका लुब्रिकेंट मिल रहा है, ठीक ना, और 100 रुपए क्या कहते हैं कि 20,000 रुपए की गाड़ी है और 1 लाख रुपए का लुब्रिकेंट आप मंगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट क्या है, एकदम कम होनी चाहिए, ठीक। समझने के लिए केवल ये पॉइंट है कि लेस कॉस्ट क्या होना चाहिए, एकदम कम होना चाहिए। और दूसरी बात और है, एक बात और होती है, आठवीं पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, देखिए वेपर पॉइंट एक होता है, वेपर पॉइंट, वाष्प बिंदु, ये भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें जो वाष्प बनने की क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा हो, तेज करके टेम्परेचर पाए और वाष्प बन करके तेज़ी से वो उड़ता रहे, ठीक ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नवा पॉइंट लिख सकते हैं आपका जो आपका वो होता है इनफ्लेमेबल,
इन फ्लेमेबल, इसका मतलब है कि ज्वलनशीलता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जल्दी से क्या हो, जल जाए। जलने का मतलब कि चिंगारी पाए, और जैसे जैसे फ्लैश वाला पॉइंट है उसी तरह इनफ्लेमेबल आप समझ सकते हैं। ठीक, दसा पॉइंट है वो आपका टॉक्सिक ना हो, नॉन टॉक्सिक हो, ठीक, यानी कि जहरीला ना हो, टॉक्सिक ना हो, ठीक ना। ये 10 पॉइंट जो है आपके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 10 पॉइंट को आप क्या करिएगा, वन बाय वन करके हाई फ्लैश पॉइंट हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा कि फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, हाई एंटी फ्रीज पॉइंट हेडिंग डाल करके लिख लीजिएगा कि ये ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, दो तीन बार देखेंगे आप समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट कैसे कैसे बताया गया है। ठीक ना, ये प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर आपका खत्म हो गया लुब्रिकेंट्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि आपके सिस्टम वगैरह कौन कौन से आप में हैं, तो फिर उसके बाद वो सिस्टम भी बता देंगे, तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, 10वां प्रॉपर्टी को बढ़िया से लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, कर लीजिएगा इसको, तब तक चलते हैं, मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर पर, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। सब लोग घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, पेपर की तैयारी करते रहिएगा। ठीक, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।